जब हम किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो शरीर की नहीं मन की भी शुद्धि होती है। वो छोड़ दीजिए, जब आप बहुत थके हो, बहुत निराश हो, बहुत अस्वस्थ स्थिति में हो, बहुत अनिजी सा फील हो रहा हो और आप एक बार स्नान करते हैं तो स्नान करके आपके साथ क्या होता है, आप ऊर्जा से स्फूर्ति से भर जाते हो। वो सिर्फ आपके शरीर को बाहरी तौर से काम नहीं करता, क्योंकि आपके और हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। वो पानी जब उसके साथ मैच करता है तो बॉडी रिफाइन होती है और इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति में स्नान का, तीर्थों के स्नान का सर्वाधिक महत्व है। क्योंकि जिन क्षेत्रों में हम स्नान करने जाते हैं वह आदि अनादिकाल से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। ऐसे ही थोड़ी ना हम अभी कुंभ आएगा, करोड़ों लोग जाएंगे, क्या करने जाएंगे वहां, क्या शर्फियां मिलेंगी, अपना पैसा गांठ का लगाओ, टंग टंग कर जाओ, भीड़ में जाओ, बड़ी बुरी हालत हो जाती है, उसके बाद दो डुबकी लगाते सी लगता है जैसे गोविंद मिल गए। सनातन की सबसे बड़ी सुंदरता है स्नान, तीर्थों का स्नान, वो अपने आप में ब्रह्म से मिलाने की प्रक्रिया है, क्योंकि वहां ओज है, उस पवित्रता का ओज है वहां पर। और जब आप उस ओज में स्नान, उस ओज में डुबकी लगाते हो, जैसे किसी चांदी की चीज को सोने के पानी में डुबो दिया जाए, जब वो निकलती है तो सुनहरी हो जाती है, वैसे आप और हम डुबकी लगा के सुनहरी हो जाते हैं। अब वो सुनहरापन उसी को देखेगा जो जौहरी होगा, बाकी को तो फिर ठीक है, पीला पीला दिखेगा। इतना सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये अंतर इतना बड़ा है जिसमें पीढ़ियां निकल जाती हैं, जन्म निकल जाता है, लोग साध नहीं पाते हैं।